हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्काई ट्रिकी मैथ्स में। और मैं हूं संजीव यादव। तो आज हम आपको क्रेड मैथ का 8700 प्रश्नों का श्रृंखला है, नंबर सिस्टम का पार्ट वन हम कल डाल चुके हैं, उसी का आज पार्ट दूसरा बताने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, और इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11520 है और उनका भागफल 9/5 है, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है इसको हम देख लेते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल है a इंटू बी, संख्याएं मान ली 11520 दिया है, इनका भागफल दे दिया है उसने 9/5। कितना दे दिया है भागफल? 9/5। दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है, तो a गुणा बी इंटू ए अपॉन बी बराबर 11520 इंटू 9/5। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 थी 15, ये चला जाएगा 23 चार बार। ठीक है, b से b यहाँ कट गया, यहाँ ए स्क्वायर बराबर 23 इंटू 9। ए बराबर यहाँ ये 48 का वर्ग है और ये 3 का, यानी कि ए बराबर 144 आ गया आपका। बी का मान निकालना है मुझे, तभी तो अंतर निकलेगा। तो ए बराबर 144/b बराबर ये हो जाएगा 9/5। 9 से काट देंगे इसको 16 बार और 16 पंजे 80, यहाँ पर b बराबर आ गया 80। a बराबर 144 था, b बराबर 80 है, दोनों का अंतर निकाल लेंगे 64 आ जाएगा, जो कि मेरा आंसर होगा। नोट कर लो जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। एक संख्या 4x है, दूसरी x है, एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है और दोनों का गुणनफल दिया है 2500। ठीक है, 4 से इसको हम काट देंगे 625 बार, ये एक्स स्क्वायर बराबर 625, तो एक्स बराबर 25 आ जाएगा। एक संख्या x बराबर आ गई 4x, तो 4 × 25 कितना हो गया 100, दोनों का योग पूछा था उसने, तो 25 और 100 कितना हो गया 125, जो कि हमारा आंसर होगा। नोट कर लो। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये जो कि सभी जो वो प्रश्न हैं जो एग्जामों में आए हुए हैं, सेटों से हैं, ठीक है, पेपर सेटों से हैं, जो एग्जामों में क्वेश्चन ये आए हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक दो अंकी संख्या उसके अंकों के योगफल की 3 गुनी है, यदि एक संख्या में 45 जोड़ दें तो उसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं, संख्या के अंकों का योगफल होगा। दो अंकों की संख्या है एक कोई, तो दो अंकों की संख्या है, दो अंकों की संख्या 9 तक नहीं होगी, यानी 10 से स्टार्ट होती है इकाई दहाई वाली। ठीक है, तो देख लेते हैं, दो अंकी संख्या उसके अंकों का योगफल की 3 गुनी है, दो अंकों वाली संख्या मैंने मान ली ये हो गई 10x प्लस का y, इसके अंकों के योगफल की 3 गुनी है, तो 3x प्लस का बाई हो गया, ये हो गया 10x प्लस का बाई, इसका अंदर गुणा कर देंगे तो 3x और 3y। ठीक है, ये हो गया 10x, इसको इधर लेके आएंगे तो 3x हो जाएगा, और ये 3y है, बाई को हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस का बाई हो जाएगा, यहाँ बचेगा 7x के बराबर 2y,
यहाँ पर x और y के मान निकाल लेंगे तो x अपॉन y बराबर 2/7 हो गया और इनका योगफल पूछा है तो 7 और 2 कितना हो गया 9। यही हमारा आंसर है। चलिए नोट कर लो फटाफट से। आगे प्रश्न देखिए, आगे दिया है दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 12 तथा 35 हैं, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल, दो संख्याओं का योगफल दिया है 12 दिया है, इन्हीं संख्याओं का गुणनफल दिया है 35, व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है तो 1/a प्लस का 1/b, जब इसको सॉल्व करते हैं ये हो जाता है a प्लस के b बट्टे ab, a प्लस b बराबर दिया है 12 और ab बराबर दिया है 35 और यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। चल नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रम से 11 तथा 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। ऐसा ही प्रश्न है जो अभी कराया है। दो संख्याओं का योगफल है 11, उनका गुणनफल है 18, उनके व्युत्क्रमों का, तो a का व्युत्क्रम 1/a, b का व्युत्क्रम 1/b और ये हो जाएगा a प्लस के b बट्टे ए बी, ए प्लस बी बराबर 11 और ये हो गया 18, ए बी का मान कितना है 18, तो इसका भी राइट आंसर 11/18 हो गया। चलो आगे अगला प्रश्न है आज का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये जो मैं बताने वाले हैं उसको, और ये कई एग्जामों में आ चुका है। संख्याएं 1, 2, 3, 4, 98, 99, 100 को परस्पर गुणा किया जाता है, गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। देख लेते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। दिया है 1, 2, 3, 4, 98, 99 और 100, ठीक है ये दिया हुआ है। चलो इसको दोबारा से लिख लेते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन को सेट करने में प्रॉब्लम होगी। चलिए 1, 2, 3, 4, 98, 99 और 100, ठीक है ऐसी संख्या जब भी आएंगी तो हम क्या करते हैं 100 में 5 का भाग दे दें। भागफल हमारा 20 आ गया, 20 में फिर हम 5 का भाग दे दें 4, अब 4 में तो 5 का भाग जाएगा नहीं, तो हमारी जो शून्यों की संख्या हो गई वो 20 और 4 कितनी हो गई 24। 1 से 100 तक संख्याओं को यदि हम परस्पर गुणा करेंगे तो शून्यों की संख्या जो होगी वो होगी हमारी 24। चलिए देख रहे होगे आप लोग कितनी मेहनत करते हैं तब आपके लिए वीडियो बना पाते हैं, तो आपके लिए एक कमेंट लाइक तो बनता है, इतना तो कर दिया करो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दो संख्याओं का योगफल 8 है, उनका गुणनफल 15 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। दो संख्याओं का योगफल दिया है 8, उनका गुणनफल दिया है 15, व्युत्क्रम ए का 1/a, इसका हो जाएगा 1/b, तो ये बनता है a प्लस बी बट्टे ए बी, इसका हो गया 8 और इसका हो जाएगा 15, तो 8/15 इसका राइट आंसर हो गया। चलिए आगे प्रश्न दिया है, उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं योगफल, यानी 17 से छोटी अभाज्य संख्याओं का योगफल पूछा है इसने, 17 से छोटी संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का योगफल पूछा है, तो देख लेते हैं। 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7, 11, 13 और 17,
और इन सभी संख्याओं को यदि हम जोड़ देंगे तो इनका योग हो जाएगा 58, जो कि हमारा आंसर है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, और आप इसी तरीके से आपको रोज़ाना वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।